गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी डिस्कस अबाउट एनीमिया। एनीमिया के बारे में अपने पढ़ेंगे आज। एनीमिया की डेफिनेशन, एनीमिया का क्लासिफिकेशन, एनीमिया के डायग्नोसिस क्या होता है, क्लिनिकल सिम्टम क्या आते हैं पेशेंट के अंदर, उसका मैनेजमेंट, मेडिकल एनर्स, एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। एनीमिया की डेफिनेशन अपन देखते हैं, एनीमिया क्या होता है, व्हाट इज एनीमिया क्या होता है। डेफिनेशन में अपन देखेंगे एब्सेंस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया, ठीक है। या अपन इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं लैक ऑफ ब्लड सेल्स, RBC, प्लाज्मा या इलेक्ट्रोलाइट जो भी वो सेल्स, उसको अपन एनीमिया कहते हैं। लेट्स क्लास स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। एनीमिया इज़ अ मेजर डिजीज इंडिया, मेजर डिजीज इज इंडिया, मतलब एनीमिया इंडिया के अंदर बहुत फीमेल लेडीज़ में पाया जाता है। स्टैटिकली इसको रिव्यू करते हैं, सेकेंड इंडियन वुमेन इज़ अ एनीमिक, जो इंडिया के अंदर स्टैटिकल अगर देखा जाए तो सेकेंड वुमेन है वो एनीमिक है। वन इज़ द एवरी 5 मेटेरियल डेथ इज डायरेक्टली ड्यू टू एनीमिया। मेटरनल डेथ जो भी होती है तो उस 5 मतलब उसके अंदर एनीमिया पेशेंट में लेडी में पाया जाता है। एनीमिया अफेक्ट बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन सेक्स, ऑल दो प्रेगनेंट वुमेन एडोलसेंट एंड मोस्ट ससेप्टिबल एंड मोस्ट अफेक्टेड ऑफ द डिजीज़। एनीमिया के मतलब गर्ल्स में, मेल फीमेल में हो सकता है, ज़्यादातर फीमेल में देखा जाता है, प्रेगनेंट लेडीज़ में ही एनीमिक होती है। इसके अपन डेफिनेशन देखें, एनीमिया को अपन अगर तोड़ के देखें तो एन प्लस ईमिया, एन मतलब विदाउट, मतलब एब्सेंस ऑफ लैक ऑफ सेल्स, ब्लड सेल्स, ईमिया मतलब ब्लड, डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और लेस देन नॉर्मल क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज ब्लड कंटेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया। RBC का कम होना नॉर्मल से अंदर नॉर्मल से, उसको अपन एनीमिया कहते हैं। WHO के अकॉर्डिंग ग्रेड दी गई है, WHO के अंदर ग्रेड दी गई है कि जो एडल्ट मेल होता है उसकी लिमिट 30 ग्राम पर DL से कम होती है तो वो एनीमिक में जाता है, और अगर फीमेल में देखा जाए तो 11.25 ग्राम एनीमिक पेशेंट माना जाता है। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर 11 ग्राम पर से ग्राम पर DL और न्यू बोर्न के अंदर 15 ग्राम पर DL। एक अपने ICMR होती है जो न्यू दिल्ली में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसमें अगर अपन WHO से 1% कम कर दे, मतलब -1 कर दे, तो वो इक्वल हो जाती है WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। जैसे अगर WHO में एडल्ट मेल की 13 ग्राम पर DL है और ICMR कहता है तो उसको 1 माइनस कर देते हैं तो 2 ग्राम पर DL हो जाती है। अगर इसमें फीमेल में 11.5 ग्राम पर DL है तो ICMR 1 माइनस करते तो 10.5 हो जाती है, और प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अगर 11 ग्राम है तो अगर ICMR कहते हैं तो 10 ग्राम हो जाती है पर DL HB लेवल। तो ये जो WHO ग्रेडिंग ऑफ एनीमिया दिया हुआ है ये सीवियरिटी केसेस में दिया हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड के अंदर है 11 टू 12 ग्राम पर DL, मॉडरेट के अंदर है 7 टू 10 ग्राम पर DL सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, और सीवियर के अंदर बिलो सेवन मतलब 6.9 है तो भी ये सीवियर कंडीशन में है, 6.5 है। इसके अंदर जो अपने इसमें पेशेंट है, इसमें पेशेंट को अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। जो मॉडरेट है, मतलब अपन माइल्ड से देखते हैं, माइल्ड है अगर तो अपन उसको ओरली डाइट द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर मॉडरेट है तो उसको अपन ओरली आयरन सप्लीमेंट अपन को देना पड़ेगा। अगर बिलो द 7 है तो अपने को इसको पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही नेसेसरी है और अपन इसको कुछ प्रोवाइड नहीं करा सकते। फिर इसका अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं एनीमिया का। एनीमिया दो बेसिस ऑफ द टू टाइप्स ऑन द बेसिक कॉजेस, ब्लड लॉस और इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल सेल्स, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, और मॉर्फोलॉजी के अंदर नॉर्मोटिक, नॉर्मोसाइटिक और माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक में डिवाइड किया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस, कारण के दम, हाइपोप्रोफ्रिएटिव, इसके अंदर जो RBC का प्रोडक्शन है वो डिफेक्टिव होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट आता है, और जो हेमरेजिक है उसके अंदर RBC लॉस होती है, जो हेमरेजिक हेमोलाइटिक एनीमिया है उसके अंदर RBC का डिस्ट्रक्शन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी,
माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसके अंदर जो सेल्स है वो स्मॉलर देन नॉर्मल अंडर द 80 फ्लो रेट के अकॉर्डिंग। इसमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर जो सेल है वो आपको लार्जर देन नॉर्मल दिखेगी 100 फ्लो रेट के अकॉर्डिंग। और मॉर्फोमोसाइटिक एनीमिया है, इसके अंदर जो सेल्स है वो आपको सेल का जो साइज है वो 80 to 100 फ्लो रेट दिखेगा। फर्स्ट अपन देखते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज आयरन डेफिशिएंसी, इज इन इफेक्टिव आरबीसी प्रोडक्शन होता है इसमें रिजल्ट में जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है वो फेलियर हो जाता है और इन सफिशेंटी होती है। सेल आर द स्मॉलर देन नॉर्मल अंडर 80 फ्लो रेट होता है। जो हीम सिंथेसिस होता है वो डिफेक्ट होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, और जो ग्लोबुलिन डेफिशिएंसी होता है वो थैलेसीमिया के अंदर होता है। सेकेंड अपन देखेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया। एनीमिया के अंदर जो आरबीसी का साइज होता है वो एबनॉर्मल लार्ज हो जाता है। सेल्स आर द लार्जर देन नॉर्मल 100 फ्लो रेट। जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया है वो विटामिन B12, फोलेट एंड प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। इट में अपन अदर ड्रग टॉक्सिसिटी देखें तो इसमें फिनेटोइन है जो ड्रग जो लीवर डिजीज एंड अल्कोहलिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया एंड ल्यूकेमिया एंड गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है। थर्ड अपन देखते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के अंदर अपन देखेंगे ओवरऑल हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज हो जाता है। जो रेड ब्लड सेल है या MCV है वो रिमेन नॉर्मल के बराबर रह जाता है। जो सेल्स का जो नॉर्मल साइज है वो 80 to 100 फ्लो। इसके अंदर कारण क्या होंगे, इसके होंगे एक्यूट ब्लड लॉस होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया होगा और अप्लास्टिक एनीमिया होगा। ये अपन ने पढ़ा एनीमिया के बारे में। अब देखते हैं एनीमिया का कारण क्या है। एडियोपैथिक है कोई, और हेरिडिटिकल हो सकता है अगर परिवार में किसी को है तो एनीमिया चांसेस है नॉर्मल से ज़्यादा पेशेंट मॉडल में। इम्पेयर्ड आरबीसी प्रोडक्शन हो सकता है, आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो इम्पेयर हो जाएगा जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन आयरन विटामिन B12 एंड विटामिन B6, डिक्रीज ऑफ इथोपोइटिन प्रोडक्शन जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हीमोलाइटिक होगा, इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होगा पेशेंट में, इसको थैलेसीमिया हो सकता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन से, एंजाइमेटिक डिफेक्ट होगा, इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, एंटीबॉडी रिएक्शन, आरएस इनकम्युलेबिलिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकता है प्रीमाक्विन या फेनिटोइन की वजह से, पॉइजनिंग हो सकती है लेड की, बर्न हो सकता है पेशेंट में, स्प्लीनोमेगलो हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड लॉस, हेमरेजिक एक्यूट ट्रोमेटिक एपिटैक्सिस, स्कर्वी, हीमोफीलिया एक्सेट्रा। क्रोनिक के अंदर अपन क्रोनिक हो सकता पेशेंट में, डिसेंट्री ब्लीडिंग, पाइल्स हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, डिक्रीज जो आरबीसी का प्रोडक्शन होगा बोन मैरो में, इसमें हाइपोप्लेजिया हो सकता है, क्रोनिक इलनेस हो सकती है, ल्यूकेमिया, नेफ्राइटिस, टीबी, न्योप्लास्टिक डिजीज़ हो सकती है, लीवर डिजीज़ हो सकती है और हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसमें अपन देखे पेशेंट मतलब आरबीसी जो अपने एनीमिया है इसमें डिक्रीज इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर आरबीसी हो सकती है, एचबी लेवल हो सकता है और एचसी हिमेटोक्रिट हो सकती है। इसमें अगर डिमिनिश होगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो क्या होगा कंडीशन, हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोक्सिया इफेक्ट और इसमें ऑर्गन इफेक्ट इम्पेयर्ड होंगे ऑर्गन, फिर इसमें साइन एंड सिम्टम इसको एनीमिया लेगा। इन्वेस्टिगेशन में अपन CBC करा सकते हैं पेशेंट के अंदर, थ्रू इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री के लिए। लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या करा सकते हैं पेशेंट में, CBC करा सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मियर करा सकते हैं, ट्रांसफेरिन लेवल चेक करा सकते हैं, विटामिन B12 करा सकते हैं अपने पेशेंट में, रेटिकुलोसाइट काउंट करा सकते हैं, RFT करा सकते हैं, स्टूल हीमोग्लोबिन टेस्ट करा सकते हैं, आयरन लेवल इन्वेस्टिगेशन में करा सकते हैं, फेरिन, बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन, LFT, बोन बायोप्सी एक्सेट्रा। इसमें जो नॉर्मल वैल्यू हम अपने इसमें PCV के अंदर, इसका फुल फॉर्म है पैक सेल वॉल्यूम, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 30 to 45% होती है। जो RBC है रेड ब्लड सेल वो 3.5 to 5.03, MCV जो इसमें है मीन कॉर्पस वॉल्यूम 80 to 100 फ्लो रेट होती है। जो MCH है मीन कॉर्पस इसमें 27 to 31 पैक्सेल, मीन कॉर्पस HB कंसंट्रेशन 32 to 35 ग्राम पर DL, रेटिकुलोसाइट काउंट 0.8 to 2.2%, और रेड सेल्स डिस्टर्बेंस विद 14.5 ग्राम पर DL।
इसमें विटामिन B12, आयरन, सीरम कोबालामीन इसमें 200 to 500 ठीक है, सीरम आयरन 65.150 ग्राम पर डी एल, सीरम बिलूरुबिन 0.2 to 1.2 ग्राम पर डी एल, SGPT 10 to 15 यूनिट पर लीटर, SGOT 10 to 40, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी 250 to 370, हीमोग्लोबिन 12.52 ग्राम पर डी एल, TC टोटल काउंट 42 क्यूब mm। इसमें साइन एंड क्या आएंगे पेशेंट के अंदर, अगर किसी एनीमिक पेशेंट में अपन देखेंगे तो उसकी पैलर ऑफ कंजेक्टाइवा, जो पैलर का मतलब इसमें साइन होता है पैलर, उसमें जो पेशेंट होता है उसकी जो कंजेक्टाइवा देखेंगे तो उसमें डिमिनिश होगा, नेल बर्ड्स, ओरल म्यूकोसा, लिप फटीक लगेगा पेशेंट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग, हेडेक, डिजीनेस, वीकनेस होगा, ट्रैकीकार्डिया होगा, डिप्सनिया होगा, एट्रोपी ऑफ पैलर ऑफ द टंग, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगा, बिटल हेयर होंगे, डिसफेज एंड ग्लोसाइटिस होगा, प्लमर विजन सिंड्रोम, केल पालसी सिंड्रोम, लाइका लुक लाइका जैसे इसमें बीटल नेल्स किलून स्पून शेप इसमें पेशेंट को आपको दिखेगा, जो पेशेंट के अपने नेल होंगे वो स्पून शेप हो जाएंगे, चम्मच के आकार के अपने को पेशेंट का। सेकेंड वन देखेंगे अपने पेशेंट के जो एंगुलर आइटिस होता है, जो पेशेंट के जो चीक है वो अपने को, और स्प्लीनोमेगेली जो स्प्लीन का साइज है वो नॉर्मल से बढ़ जाएगा। एनीमिक आई देखेंगे कंजेक्टाइवा, पैलर स्किन जो फेस का कलर है वो पैलर हो जाएगा ठीक। सेकेंड वन अपन इसका मैनेज है मेडिकल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू आयरन डेफिशिएंसी, अगर एनीमिया है तो आयरन सप्लीमेंट देंगे, आयरन सप्लीमेंट के अंदर अपन देंगे फेरस सल्फेट 6 ग्राम पर kg पर 24 आवर, फोलिक एसिड 0.4 mg पर dl, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन की थेरेपी देंगे, इसमें विटामिन B12 30 to 100 mg IM या सबक्यूटेनियस 5 to 10 days, अप्लास्टिक एनीमिया रिमूवल ऑफ कॉजेटिव एजेंट, सीवियर प्लास्टिक एनीमिया में बोन मेरो ट्रांसप्लांट करेंगे, और सर्जी सेकेंड वन देखेंगे अपने सर्जिकल मैनेजमेंट बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन इन सीवियर अप्लास्टिक एनीमिया। नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर हम देखेंगे इन एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू वीकनेस, अगर पेशेंट में इनएक्टिविटी होगी तो पेशेंट वीकनेस लगेगा, लिथार्जी लगेगा, अल्टर न्यूट्रिशन लेवल, अगर उसके जो बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होगी तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो प्रॉपर नहीं होगी, वो मैनेज नहीं करेगा, इनएडिक्वेट इनटेक असेंशियल न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाए, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम, इनइफेक्टिव फैमिली कोपिंग रिलेटेड डिसेबलिंग द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। पेशेंट को अपन एजुकेट करेंगे, टेक आयरन एंड एम्प्टी स्टमक 1 आवर बिफोर एंड 2 आवर आफ्टर अ मील, स्टार्ट विद ओनली 1 टैबलेट पर डे फॉर अ फ्यू डेज, देन इंक्रीज 2 टैबलेट पर डे, देन 3 टैबलेट पर डे, इंक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन सी जिसमें अपने को सिट्रस फ्रूट हो गया, जूस हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, टोमेटो हो गया, एनहांस आयरन एब्जॉर्प्शन, ईट फ्रूट हाई फाइबर टू मिनिमाइज प्रॉब्लम विद कंजप्शन, रिमेंबर डेट स्टूल विद बिकम डार्क इन कलर। इसमें अपन ने ये देखा पूरे के अंदर कि एनीमिया क्या होता है, अपन एक ब्रीफली देखते हैं एनीमिया। एनीमिया मीन्स होता है जो एब्सेंस, जो ब्लड सेल्स है, एब्सेंस ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड का जो PCV वॉल्यूम है, जैसे ब्लड जिसकी RBC के अंदर ब्लड कैरिंग कैपेसिटी कम है, हीमोग्लोबिन उससे जो नॉर्मल एडल्ट के अंदर 11.5 ग्राम से अगर कम होगा तो अपन उसका एनीमिक कहेंगे। ब्लड कंटेंट्स के अंदर RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आ जाएगी ठीक है। ब्लड सेल्स के अंदर इसमें अपन ने देखा कि एनीमिक कंडीशन होगी, उसको पेशेंट को अपन कैसे हेल्थ एजुकेशन देके उसकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं।